नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको जजमेंट दी जाएगी वो साल 2023 की जजमेंट है दोस्तों। अब सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए, अक्सर मैंने लोगों से यह सुना है कि उनकी एक पारिवारिक संपत्ति थी जिसको बिना उन्हें हिस्सा दिए आगे बेच दिया गया। अब अगर वो कोर्ट में कल को जाकर केस फाइल करते हैं तो क्या उनका केस एक्सेप्टेड किया जाएगा? क्या पारिवारिक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने के लिए कब्जा होना अनिवार्य है? इसके अलावा अगर कल को वो कोर्ट में जाकर केस दाखिल कर रहे हैं तो क्या ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 65 स्केड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट उसको परेशान करेगा, यानी कि एडवर्स पोजेशन उनको परेशान करने वाला है? अब दोस्तों, ये सारी चीज मैं आज की वीडियो में एक रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर करके देने वाला हूं, जहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि चाहे आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर आपका उसके अंदर हिस्सा बनता है और बिना आपको हिस्सा दिए बेच दिया गया तो आप उस संपत्ति को तब भी वापस पा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप डायरेक्टली मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं, मेरे थ्रू कंसल्टेशन पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर चार पीढ़ियों तक का हक बनता है। जैसे कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी खुद नहीं कमाई बल्कि आपको अपने पिताजी से मिली है, अपने दादा से मिली है, अपने परदादा से मिली है, तो इन तीनों सिचुएशन में अगर हम आपकी बात करें तो आप विद इन फोर जनरेशन में आ जाएंगे, तो यह आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रूल क्या होता है? बाय बर्थ आपका उस प्रॉपर्टी में अधिकार आ जाता है, यानी कि जैसे ही आपका जन्म हुआ, जन्म लेते ही आपका उस प्रॉपर्टी में अधिकार आ गया। अब दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बात करें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की, तो यह वह प्रॉपर्टी है जो आपके पिता ने खुद से कमाई है। जब आपके पिता का देहांत हो गया, वो कोई विल वसीयत नहीं बनाकर गए। अब विल वसीयत वो नहीं बनाकर गए तो उनके देहांत होने के बाद आज भी आप लोग उस प्रॉपर्टी को उन्हीं के नाम से जॉइंटली यूज कर रहे हैं। अब आपका भाई बहन, आपकी माताजी, सभी लोग एक साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी को जॉइंटली यूज कर रहे हैं, उसका आज भी पार्टीशन नहीं हुआ है, तो वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। अब दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इन दोनों में एक कंडीशन सेम होती है कि दोनों प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों का अधिकार होता है। अब कई बार हमें सिचुएशन देखने में यह मिलती है कि जब प्रॉपर्टी में अधिकार तो आपका है किंतु आपका एक भाई पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर बैठा है, कब्जा भी उसी का, म्यूटेशन में नाम भी उसी का, सभी रेंट वो ले रहा है, उस बिजनेस भी वो ही कर रहा है उसी लैंड के ऊपर, और जब आपने हिस्सा मांगा तो आपको हिस्सा नहीं दिया गया, और कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि उस प्रॉपर्टी को तो बेचने का या तो प्लान बनाया जा रहा है या फिर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच दी गई है। अब आप इस कंडीशन में करें तो करें क्या? क्या ऐसी कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी को वापिस पा सकते हैं? अब अगर आपका उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं है तो कानून की नजर में क्या इसको तब भी आपका हिस्सा माना जाएगा? अब ये चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट दिखाकर आपको साबित कर दूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट दिखाई जाएगी, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है पी लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस एल लक्ष्मी रेड्डी, AIR 1957 SC 314, ये इसका साइटेशन नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया था कि अगर एक कोहियर है, एक हमवारिस है, उसका पूरी प्रॉपर्टी पर अकेले का कब्जा है तो कानून में उसको क्या माना जाएगा? एज पोजेशन ऑफ ऑल द कोहियर, यानी कि कानून में सभी हमवारिस का कब्जा है उसको इसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा। यह आपके लिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्या करते हैं, बाकी पारिवारिक सदस्य अपना अकेले का कब्जा दिखाकर मालिकाना हक पाने की कोशिश करते हैं प्रतिकूल कब्जे के तहत, तो ये रेलिवेंट जजमेंट दिखाकर आप वहां पर दिखा सकते हैं कि कानून में अगर एक उत्तराधिकारी एक हमवारिस कब्जा करके बैठा है तो उसको ऐसा माना जाएगा कि सभी कोहियर्स का उसी लैंड पर पोजेशन है। इसके अलावा दोस्तों, एक जजमेंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, वो भी आपके लिए यहां पर बहुत काम की है।
डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम है अन्ना साहिब बापू साहिब पाटिल वर्सेस बलवंत, और इसका साइटेशन नंबर है AIR 1995 SC 895। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इवन म्यूटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी नेम ऑफ वन ओनर, यानी कि एक हमवारिस के नाम पर चाहे प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज क्यों ना हो गया हो, तो वहां पर भले वो सारा रेंट रिवेन्यू अपने नाम से ले रहा हो, तो इसके बावजूद ये डज नॉट प्रूव हॉस्टाइल अगेंस्ट द अदर, यानी कि ये चीज तब भी बाकी हमवारिसों के खिलाफ साबित नहीं होगी। अब दोस्तों इन दोनों जजमेंट से आपको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए, अगर एक हमवारिस पूरी लैंड पर अकेला कब्जा करके बैठा है, म्यूटेशन जमाबंदी अपने नाम से करा ली है, अपना वहां पर बिजनेस चला रहा है सालों से, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर आप भी वहां पर एक हमवारिस है तो आपका हिस्सा वहां पर खत्म हो गया। अब यहां से आपको इतना क्लियर हो गया है कि हाँ आपका वहां पर हिस्सा बनता है। अब मान लेते हैं आपको हिस्सा देने से मना कर रहे हैं कि जाओ आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, जो मर्जी आप कर लो। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए ऐसी कंडीशन में आपको एक सिंपल सा कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल कर देना है। पार्टीशन सूट दाखिल करके सिंपल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं कि आप भी वहां पर एज अ लीगल ईयर है, प्रॉपर्टी आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर जितना आपका शेयर बनता है उतनी डिमांड आपको रिलीफ में कर लेनी है, और पार्टीशन सूट से आपको वहां पर बेनिफिट हो जाएगा, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अब दोस्तों ये आ गई एक सिंपल सी सिचुएशन। कई बार देखा यह जाता है कि कुछ फैमिली मेंबर चलाकी से प्रॉपर्टी को ही आगे बेच देते हैं। अब क्या ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर तो दो चीजों को ध्यान दें। पहली, अगर एक सेल डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी बेची गई है तो विद इन 3 ईयर अगर आप एक्शन लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सेल डीड कैंसिलेशन की जो एक टाइम लिमिट होती है वो 3 सालों की होती है, और वहीं अगर वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसको बेच दिया गया है तो आप विद इन 12 ईयर क्लेम कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर फ्रॉडुलेंटली चीटिंग के माध्यम से आपकी प्रॉपर्टी आके बेची गई है तो आप सेक्शन 17 का इस्तेमाल करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन एक्ट, आप उसको जैसे ही आपकी नॉलेज में आए उसके विद इन 3 ईयर जाकर क्लेम कर सकते हैं। तो बस सरल भाषा में इतना समझना है कि जैसे ही आपकी नॉलेज में आया है कि आपकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है, तुरंत आपको एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से उस सेल डीड कैंसिलेशन के लिए अपना सूट दाखिल करना है, और जितना आपका हिस्सा बनता है वहां पर पार्टीशन के नाम से डिमांड कर देनी है। अब दोस्तों बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ऐसी कंडीशन में अगर मेरे भाई ने यह दिखा दिया कि मेरा तो कब्जा ही नहीं था, और ऐसी कंडीशन में तो मैं कहीं केस ना हार जाऊं। जी नहीं दोस्तों, अब एक साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यही क्लियर किया कि अगर एक कोनर है उसको यह चीज दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं था, और सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट के अंदर जो प्रोविजो कहता है उससे भी उस सूट को बार नहीं किया जाएगा। अब मुझे पता है यह टर्म सुनकर आपको कंफ्यूजन हो गई होगी, क्योंकि एक आम नागरिक इन चीजों को जल्दी से नहीं समझ पाता। अब आपको मैं 2 प्रोविजन क्लियर करूंगा, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, जहां पर वो कंडीशन बताई गई है जब एक केस को आप बिना लड़े ही सीधा डिसमिस करा सकते हैं। दूसरा, सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो डिक्लेरेशन सूट के बारे में बात करता है। ये दोनों प्रोविजन बताने के बाद आपको जजमेंट क्लियर की जाएगी ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों डिस्प्ले पर आपको ऑर्डर 7 रूल 11 CPC दिखाई देगा। यहां पर 4 वो कंडीशन बताई गई है जब एक इंसान कोर्ट में अगर केस दाखिल कर रहा है तो उस केस को सीधा रिजेक्ट किया जाएगा अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन बन रही है। डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं, ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझेंगे। देखिएगा, पहली कंडीशन है जब उस सूट में, जब उस केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि भाई जैसे ही आपके नॉलेज में आया उसी समय आपने एक्शन लिया, वो आपका कॉज ऑफ एक्शन हो गया आपकी नॉलेज में आना। मतलब कब आपकी नॉलेज में वो चीज आई? जब आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वो कॉज ऑफ एक्शन होता है। अगर वो चीज वहां पर प्लेंट में नहीं मेंशन है तो इस सिचुएशन में उस सूट को, उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। सेकंड, जब आपने जो कोर्ट से रिलीफ मांगा है वो अंडर वैल्यू है, वो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं दिखाई गई, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज, अगर जो आपने कोर्ट से रिलीफ मांगा है वो ओवर वैल्यूड है, वहां पर प्रॉपरली स्टैम्प पेपर के साथ उसको वहां पर अटैच नहीं किया गया, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो कोर्ट आपको एक टाइम देगा और उस टाइम के अंदर भी अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन, अगर किसी कानून के तहत जो वो केस दाखिल किया गया है उसको बार किया गया है, बार मतलब उसको वहां पर बताया गया है कि 3 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर इस तरीके का केस दाखिल करना है, अगर वो टाइम लिमिटेशन के तहत बार है या किसी कानून के तहत उस केस को दाखिल नहीं किया जा सकता, अगर ऐसी कोई कंडीशन वहां पर बन रही है तो सीधा 7-11 के तहत उस केस को डिसमिस भी कराया जा सकता है। तो ये 4 कंडीशन जाननी आपको जरूरी है। बेसिकली इसका 4th पॉइंट आज की जजमेंट से रिलेटेड है। अब सेक्शन 34 डिक्लेरेशन आपको क्लियर कर दूं, इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार डिस्प्ले पर आप यहां पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
सेक्शन 34 कहता है कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशन पावर है कि वो किसी भी इंसान का स्टेटस या राइट प्रॉपर्टी पर डिक्लेयर कर सकता है। डिस्प्ले पर देखिएगा, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर राइट ऑन एनी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एक इंसान किसी प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का लीगल करेक्टर और राइट का हक रखता है तो वो क्या कर सकता है, मे इंस्टीट्यूट अ सूट, वो एक केस दाखिल कर सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी इंसान के खिलाफ जो कि डिनाई, मना कर रहा है, और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल, जो उसके अधिकार को मना कर रहा है कि तुम्हारा अधिकार नहीं बनता, उसके खिलाफ कोर्ट में सूट दाखिल कर सकता है। क्यों दाखिल कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ भाई वो इंसान, उसका वहां पर राइट बनता है, उसका वहां पर करेक्टर बनता है, और उसको वो रिलीफ प्रोवाइड करा सकता है। अब इसका प्रोविजो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डिक्लेरेशन, कि कोई भी कोर्ट ऐसी डिक्लेरेशन नहीं कर सकता जहां पर जो प्लेंटिफ है यानी कि जो केस डाल रहा है वो एंटाइटल है कि वो एक से ज्यादा रिलीफ मांग सकता है, इवन दो वो तब भी नहीं मांगता। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के पास पावर है कि उसके सेक्शन 34 के रिलीफ को डिसमिस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको धोखे से आगे बेच दिया गया है। अब मैं वहां पर डिक्लेरेशन सूट दाखिल करके सबसे पहले यह साबित करूंगा वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसके बाद मुझे सूट फॉर पोजेशन भी डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहिए, और परमानेंट इंजंक्शन भी मांगना पड़ेगा कि मुझे परमानेंट वहां पर स्टे दे दो ताकि मेरा कब्जा लेने के बाद कोई और आकर दोबारा से वहां पर कब्जा ना ले। अब ये रिलीफ भी मुझे वहां पर मांगने पड़ेंगे। अगर ये रिलीफ मैं नहीं मांगता तो सामने वाली पार्टी ये चीज दिखा सकती है कि मैं डिक्लेरेशन के अलावा और भी रिलीफ वहां पर चाहता था पर मैंने नहीं लिए, तो सेक्शन 34 का रिलीफ मुझे नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो मेरी उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा, कब, जब मुझे एक से ज्यादा रिलीफ चाहिए था और मैंने वो नहीं लिया। अब ये चीज यहां पर सेक्शन 34 का प्रोविजो बताता है दोस्तों। नाउ अब मैं आपको जजमेंट क्लियर कर दूं, सबसे पहले केस टाइटल आपको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स, और आखिरी में जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वहां पर ऑब्जर्वेशन दी वो मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा, केस टाइटल है मनोरमा एंड अनदर वर्सेस सुधा एंड अनदर, इसका सीआर नंबर देखिएगा 288/2023। अब साल 2023 की ये जजमेंट है, डिस्प्ले पर आपको पूरी केस डिटेल्स दिखाई गई है ताकि इस जजमेंट को आप डाउनलोड करके अपने केस में यूज कर सकें। अब केस के फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद जो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वह आपको क्लियर करके दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में यहां पर प्लेंटिफ की तरफ से केस दाखिल किया गया है, उसका कहना है कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर मैं भी एक ओनर था, मेरे ब्रदर ने उस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया। अब यहां पर एक केस डाला गया है कैंसिलेशन फॉर सेल डीड एंड परमानेंट इंजंक्शन। नाउ दोस्तों, इसमें यही रिलीफ मांगा गया है कि सेल डीड को कैंसिल करते हुए परमानेंट स्टे मुझे वहां पर दे दिया जाए प्रॉपर्टी पर। क्यों? क्योंकि मेरा भी अधिकार वहां पर बनता था। नाउ प्रेजेंट केस में जो डिफेंडेंट है उसका कहना है कि भाई ये सूट तो मेंटेनेबल ही होना चाहिए, 7-11 के तहत उसको रिजेक्ट करना चाहिए। रीजन ये कहा कि यहां पर सेक्शन 34 में डिक्लेरेशन के मांग करके सेल डीड कैंसिल करने की तो बात की गई है पर कब्जे का रिलीफ नहीं मांगा गया, सूट फॉर पोजेशन का रिलीफ नहीं मांगा गया, जबकि देखने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है, किसका, डिफेंडेंट का। यहां पर प्लेंटिफ का कोई भी कब्जा नहीं रहा, और जब तक उसका कब्जा वहां पर नहीं रहा तो उसको सूट फॉर पोजेशन भी मांगना चाहिए था, तभी उसका परमानेंट इंजंक्शन वहां पर काम आता। यह चीज रिलीफ के तौर पर मांगा गया और 7-11 के तहत उस केस को डिसमिस करने की, रिजेक्ट करने की प्लेंट की मांग की गई। नाउ दोस्तों, जब यह रिलीफ वहां पर मांगा गया तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, लोअर कोर्ट की तरफ से वहां पर इनकी 7-11 की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस चीज से परेशान होकर डिफेंडेंट ने आगे अपील डाली, तो पिटीशनर के रूप में अपील डालने के बाद वो पिटीशनर बन गए वहां पर। तो वहां पर पिटीशनर के रूप में उन्होंने यही मांग करी कि सेक्शन 34 के अगर हम प्रोविजन की बात करें तो उसका प्रोविजन कहता है कि अगर एक व्यक्ति और ज्यादा रिलीफ के लिए एंटाइटल है और रिलीफ नहीं ले रहा तो उनका 7-11 के तहत रिजेक्शन आना चाहिए। अब यहां पर डिफेंडेंट ने कुछ रेलिवेंट जजमेंट का हवाला दिया। सबसे पहले जो जजमेंट मैंने स्टार्टिंग में क्लियर करी थी वही जजमेंट का रेफरेंस देते हुए क्लियर किया गया कि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर एक कोनर का प्रॉपर्टी पर पोजेशन है तो बाकी सभी कोनर का उसी प्रॉपर्टी पर पोजेशन माना जाना चाहिए, और अगर ऐसा लोग कहता है तो हमारा भी वहां पर पोजेशन हुआ, और जब हमारा ऑलरेडी पोजेशन माना जाएगा तो हमें अलग से सूट फॉर पोजेशन मांगने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर यही चीज पाई गई थी कि वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, सबका वहां पर राइट बनता है, बिना पार्टीशन के उसको आगे बेचा गया, तो ऐसी कंडीशन में जो पिटीशनर की मांग थी 7-11 की उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी डिसमिस कर दिया गया। नाउ दोस्तों, ये जजमेंट से आपको क्या क्लेरिफिकेशन होती है समझिएगा, अगर एक कोनर का पोजेशन है तो कानून में यही माना जाएगा कि सभी को ओनर का पोजेशन है। अब
अब चाहे कोई इंसान धोखे से प्रॉपर्टी बेचे, एडवर्स पोजेशन क्लेम करे, या फिर सेक्शन 34 डिक्लेरेशन में ये कहे कि उन्होंने तो सूट फॉर पोजेशन मांगा ही नहीं, तो ये रेलिवेंट जजमेंट वहां पर आपके काम आएगी। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कानून की नजर में अगर एक कोनर का पोजेशन है तो यही माना जाएगा कि वहां पर सभी का पोजेशन है और धोखे से आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी किसी को नहीं बेची जा सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर दी गई क्लेरिफिकेशन आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर कॉल करें, अपनी कॉल बुक कराएं और डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन लें। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।